दोस्तों जल्दी से आप अपने चैनल आर गुरु जी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग क्रिटिकल एप्रिसिएशन करेंगे पोएम यूलिसिस का, जिसको हमने रिसेंटली पढ़ा था, ठीक है, समझा था आपको। इनके नोट्स जो हैं वो पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। और बाकी इनको एकदम फाइनल नोट्स मत समझना, मैंने ये सिर्फ गाइडेंस के लिए बनाता हूँ। मैं कोई आप लोगों को पूरी तरह मेरे पर निर्भर रहने के लिए कभी नहीं बनाता, ना ही मैं एकदम फाइनल एकदम इस तरह का नोट्स बनाता हूँ कि आप जाओ सीधा एग्जाम में वही लिख के आ जाओ। मैं ये गाइडेंस के लिए बनाता हूँ कि ये आपकी हेल्प करेंगे, इसमें आप अपनी तरफ से चीजें ऐड करना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन लिखते हैं हम लोग। यूलिसिस एक पोएम है जो एल्फ्रेड टेनिसन ने लिखी है, 1833 में लिखी थी, परंतु पहली बार पब्लिश हुई थी पोएम्स कलेक्शन में 1842 में, ठीक है। इसमें एक ग्रीक माइथोलॉजिकल किंग है यूलिसिस, या फिर ओडेसियस, उसको ओडेसियस भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर बेस्ड है पोएम, और देख सकते हैं तो ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होती है? ड्रामेटिक मोनोलॉग एक ऐसी पोएम होती है जिसमें एक व्यक्ति है वो पूरी पोएम में खुद अकेला बोल रहा है, ठीक है, वो अकेला बोलता है खुद पूरी पोएम में, और ऐसा फील होता है जैसे सुनने वाला कोई व्यक्ति वहां मौजूद है, परंतु दूसरा व्यक्ति आपको कुछ नहीं बोलेगा, मतलब सारे के सारे डायलॉग वो अकेला व्यक्ति बोलेगा। इवन देखो आप, ड्रामेटिक मोनोलॉग जो फेमस है वो रॉबर्ट ब्राउनिंग की फेमस है। तो उसमें क्या होता है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग एक दूसरा कैरेक्टर भी रखता है पोएम के अंदर, जिससे वो मतलब जो मेन व्यक्ति है वो बात कर रहा होता है, बट वो सामने वाला जो भी कुछ बोलना चाह रहा है वो व्यक्ति खुद ही बोल के बताता है, मतलब उसकी डायलॉग भी वो खुद ही बोल के बताता है एक तरीके से। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक ही व्यक्ति पूरी की पूरी पोएम में बोलता है, और इवन जो दूसरा व्यक्ति है उसकी प्रेजेंस हमको फील होती है, उसकी उपस्थिति फील होती है हमको कि कोई और व्यक्ति भी है जो बात सुन रहा है, परंतु वो व्यक्ति कुछ बोलता नहीं है दूसरा वाला, ठीक है। इस तरह से ये भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ठीक है। पूरी पोएम में यूलिसिस खुद ही बोलता रहेगा। पोएम का सेंट्रल आइडिया, पोएम में देखो, पोएम का जो आइडिया है ना वो एक्चुअली विक्टोरियन एज को रिप्रेजेंट करता है। विक्टोरियन एज यानी कि बोल सकते हो आपकी विक्टोरियन जो काल था ना, उसमें बहुत सारी डिस्कवरीज, अलग अलग मतलब बोल सकते हैं समुद्री रास्ते खोजे गए, सी ट्रेड रूट्स खोजे गए, नई नई डिस्कवरीज हुई, है ना। तो एक तरीके से इसमें यूलिसिस भी उसी तरह का पर्सन दिखाया गया है कि जिसको एक जगह बैठना पसंद नहीं, उसको नई नई जगह खोजनी है, नई नई नॉलेज गेन करनी है, अलग अलग जगहों पे जाना है ना। हमने पोएम पढ़ी थी, आपने नहीं पढ़ी मतलब आपने पोएम नहीं समझी अभी, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं, इससे जस्ट पहले वाला वीडियो ही है। तो ये विक्टोरियन एज की स्प्रिट को शो करता है। यूलिसिस बैटल ऑफ ट्रॉय से जो लौट के आता है तो वो बहुत ज्यादा यूजलेस फील कर रहा होता है, अपने राज्य में बैठा बैठा वो बोर हो रहा होता है, सोचता है मैं क्या फालतू काम कर रहा हूँ, मतलब मेरा कोई रोल नहीं है यहाँ पे इस राज्य में, उसको ऐसा लगता है, मतलब मेरा कोई काम नहीं है यहाँ पे, तो उसका बेटा ऑलरेडी सारी सत्ता संभाल रहा होता है, तो सोचता है ये मैं किस काम का हूँ। तो वो एक्चुअल में दोबारा से जर्नी पे लौटना चाहता है, कि उसको जो जर्नी जो कंटिन्यू कर रहे होता है ना पहले, उसी जर्नी को वो आगे कंटिन्यू करना चाहता है आगे भी, मतलब उसको घर बैठे बैठे पसंद नहीं आ रहा होता है, ही वॉन्ट्स टू कंटिन्यू द जर्नी, सीधी सी बात है ना। तो ऐसा था कि वो एक तो बूढ़ा बूढ़ा भी हो रहा है, बूढ़ा हो चुका है, और उसके पास समय भी बहुत कम बचा है लाइफ में, तो वो इस बचे हुए समय को पूरी तरह से यूटिलाइज करना चाहता है, और नए एडवेंचर करके, नई दुनिया देख के, नई नॉलेज गेन करके। तो यही पोएम का सेंट्रल आइडिया है, ठीक है। थीम्स क्या है? एक तो स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, नई नई खोज करना, यूलिसिस एक्चुअल में सिंबलाइज करता है स्पिरिट ऑफ एडवेंचर को इस पोएम के अंदर। और जो विक्टोरियन एज है वो तो भाई नई नई जमीनें, नई लैंड्स खोजने के लिए और नए सी रूट्स खोजने के लिए जानी जाती है। तो सिमिलरली यूलिसिस भी नई जर्नी के लिए क्रेव कर रहा है, वो मरे जा रहा है एक तरह से, उत्सुक है बहुत ज्यादा। ही इज नॉट लाइकिंग हिज स्टे एट होम, उसको अपना घर पे रुकना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, और वो सोचता है कि भाई ये जो मेरा दिल है ना, इसमें अभी भी वो आग, फायर, फायर किसकी? डिजायर, इच्छाओं की, या फिर बोल सकते हो जुनून की जो आग है वो अभी भी जल रही है मेरे दिल के अंदर, तो मैं क्यों ना एक नए एडवेंचर पे जाऊं, क्यों मैं अपना टाइम यहाँ वेस्ट कर रहा हूँ। तो लिव एवरी मोमेंट भी एक थीम है कि भाई जीवन में जितने भी क्षण बच रहे हैं ना उनको ढंग से जियो, पूरा उन पे फोकस रखो, मतलब पूरा फुल ऑन जियो उनको एक तरह से। यूलिस इसमें एक लाइन भी आती है कि आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज, मतलब मैं जीवन को पूरी तरह जीना चाहता हूँ, इसका अर्थ ये निकलता है। तो वो अपनी लाइफ को पूरी तरह जीना चाहता है, यही उसका उद्देश्य है, और इसीलिए उसको जो ये व्यर्थ में वो टाइम व्यतीत कर रहा है ना अपने खुद के घर में, अपने राज्य में, वो उसको बिल्कुल भी गले से नहीं उतर रहा है, उसको पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन है, एक तो एलिट्रेशन, लाइफ टू द लीज, हंग्री हार्ट, क्लाइमेट काउंसिल्स, ड्रंक डिलाइट, फ्री हार्ट, फ्री फोरहेड, इन सब में एलिट्रेशन है। देखो लाइफ टू द लीज, ल ल, ठीक है, हंग्री हार्ट ह, क्लाइमेट काउंसिल्स क, ड्रिंक डिलाइट ड, है ना, फ्री हार्ट्स, फ्री फोरहेड, फ फ फ। तो जितने भी हैं मैंने अभी अल्फाबेट्स बोले आपको,
ये सब क्या है? व्यंजन है। ये क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन। और जब व्यंजन का रिपीटेशन होता है, कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है वर्ड के स्टार्टिंग में, तो हम लोग उसे एलिटरेशन मानते हैं। अगर उसके तुरंत बाद में, देखो एलिटरेशन तो मानते ही मानते हैं, परंतु अगर उसके तुरंत बाद आने वाला वोवल साउंड चेंज हो जाए तो हम उसे कॉन्सोनेंसी मानते हैं। परंतु यहाँ पर वोवल साउंड क्या बोलते हैं, सेम ही चल रहा है एक तरीके से, इसलिए हम लोग इसमें कुछ और ढूंढेंगे नहीं, सिंपल एलिटरेशन मान के इसको चलेंगे। असोनेंस, असोनेंस क्या होता है? जिसमें वोवल साउंड का रिपीटेशन होता है उसको असोनेंस बोलते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर सम थ्री सन्स टू स्टोर एंड होल्ड माई सेल्फ, सम थ्री सन्स टू स्टोर एंड होल्ड माई सेल्फ हैज रिपीटेशन ऑफ साउंड ओ। ओ साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। फोर सम थ्री सन्स टू स्टोर होल्ड, तो ओ साउंड का रिपीटेशन कई जगह हो रहा है, इसलिए यहाँ पे असोनेंस है। ठीक है, ट्रांस असोनेंस का एक ध्यान रखना कि वो साउंड बीच में हो सकती है वर्ड की और वर्ड के स्टार्टिंग में हो सकती है। ठीक है, मतलब वोवल साउंड वर्ड के बीच में भी आ सकती है और वर्ड के स्टार्टिंग में भी आ सकती है, दोनों कंडीशन में असोनेंस होगा। ट्रांसफर्ड एपिथेट, अब एक फ्रेज इस्तेमाल हुआ है साउंडिंग फुर्रोज, ऐसा लग रहा है जैसे फुर्रोज साउंड, फुर्रोज क्या होती है, एक तरीके से पानी में पतवार चलाओगे तो एक लाइन सी बन जाएगी ना फुर्रो, तो साउंडिंग फुर्रो ऐसा लगता है फुर्रो आवाज कर रही है, एक्चुअल में फुर्रो आवाज थोड़ी कर रही है, ये एक ट्रांसफर्ड एपिथेट है। इसमें क्या है, ये जो फुर्रो है संज्ञा नाउन, इसके आगे जो ये साउंडिंग है जो एडजेक्टिव लगा है, ये एक्चुअल में इस फुर्रो के लिए इस्तेमाल नहीं है, ये हो रहा है ओर्स के लिए, ओर्स यानी पतवार, उनके लिए इस्तेमाल हो रहा है ओर्स। तो ट्रांसफर्ड एपिथेट ये होता है कि भाई जिस वर्ड के साथ में, जैसे यहाँ पर क्या है साउंडिंग फुर्रो ये है, तो भाई जिस नाउन के, नाउन या प्रोनाउन के साथ में जो एडजेक्टिव लगा हुआ है वो एक्चुअल में इस नाउन या प्रोनाउन के लिए नहीं है, वो किसी और के लिए है, तो इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें मीनिंग ट्रांसफर हो गया है, इसका मीनिंग, इस साउंडिंग का मीनिंग फर्रो के साथ नहीं किसी और के साथ में ट्रांसफर हो गया मीनिंग, तो इसको ट्रांसफर एपिथेट बोलते हैं। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन मतलब मानवीकरण, व्यक्तिकरण, तो वैक्स द डिम सी, डिम सी। अब सी तो क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, जब नॉन लिविंग थिंग को हम इंसान की तरह ट्रीट करते हैं कि भाई तो इंसान, जीवित इंसान की तरह से मान के चलते हैं, तो उसे उसको बोलते हैं, मतलब उस नॉन लिविंग थिंग का हमने पर्सोनिफिकेशन कर दिया, उसका मानवीकरण कर दिया, तो वैक्स द डिम सी कि भाई एक शांत पड़े समुद्र को गुस्सा दिला दिया। अब ऐसा हो रहा है जैसे कोई इंसान है वो शांत बैठा हुआ है, उसको गुस्सा दिला दिया, अब समुद्र तो नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, तो पर्सोनिफिकेशन हो गया समुद्र का, समझ गए। सिनेकडकी, यूलिसिस रेफर्स इज मैरिनर्स एज सोल्स, अब देखो यूलिसिस ने क्या किया है, अपने मैरिनर्स को सोल्स बोला है। सिनेकडकी एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें आप बोल सकते हो कि जो एक पूरी ऑब्जेक्ट होती है उस ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए उसी ऑब्जेक्ट का बॉडी पार्ट ले लेते हैं कोई एक, जैसे कई बार बोलते हैं ना वर्कर्स, वर्कर्स वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, बोले हैंड्स आर वर्किंग, हाथ काम कर रहे हैं। अब हाथ काम करने का मतलब क्या है, हाथ थोड़ी काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं, वर्कर्स के हाथ जो है ना, वो जो हाथ है ना वो पूरे वर्कर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऐसे इसे बोलते हैं सिनेकडकी, कि जब आप एक पूरी पर्सन को या पूरी एक ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए उसका ही हिस्सा ले लेते हैं और उस हिस्से से उसको संबोधित करते हैं। अब जैसे यूलिसिस ने अपने मैरिनर्स, अपने नाविक लोगों को बोला है सोल्स, आत्माएं, तो आत्माएं एक्चुअल में क्योंकि उनके बॉडी का पार्ट है, तो इसलिए ये सिनेकडकी हो गया कि आत्मा शब्द से वो पूरे मैरिनर को संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं, मेटाफर, बियॉन्ड द सनसेट इज अ मेटाफर फॉर अननोन लैंड, अब सनसेट के पार, अब देखो सनसेट के पार ये अननोन लैंड, एक अज्ञात जमीन, उसके लिए एक मेटाफर इस्तेमाल हो रहा है। मेटाफर क्या होता है, जब आप दो चीजों की तुलना करते हैं और तुलना एक्चुअल में क्लियरली नजर नहीं आती है। अब क्लियरली नजर कैसे आती है, जब हम लाइक शब्द का इस्तेमाल करते हैं या फिर एज शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उसके जैसा, उसकी तरह, जब ऐसे बोलते हैं तब तो वो सिमिली होता है, तुलना साफ साफ नजर आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिमिली बोलते हैं। ठीक है, परंतु जब तुलना हो रही होती है परंतु तुलना साफ साफ नजर नहीं आती तो वो मेटाफर होता है। तो देखो बियॉन्ड द सनसेट, सनसेट के पार, सनसेट के पार क्या है, अब हमें क्या पता क्या है, ये मान के चले एक अननोन लैंड, तो उस अननोन लैंड के लिए मेटाफर इस्तेमाल हुआ है बियॉन्ड द सनसेट। हेलेनिस्टिक फीचर्स हैं, हेलेनिस्टिक मतलब ग्रीक फीचर्स यानी ग्रीक माइथोलॉजी से ली हुई चीजें, तो इस पोएम में कुछ हेलेनिस्टिक फीचर, एक तो यूलिसिस खुद ही एक हेलेनिस्टिक ग्रीक माइथोलॉजिकल फिगर है, साथ में टेलीमाकिस उसका सन, एकिलिस, ऐसे कुछ नेम लिए गए हैं जो कि ग्रीक माइथोलॉजिकल फिगर्स हैं और वहां से उठाए गए हैं, तो इसमें हेलेनिस्टिक फीचर्स भी हैं पोएम में। राइम स्कीम और स्ट्रक्चर कैसा है, पोएम ब्लैंक वर्स में लिखी गई है ना, तो बेसिकली कोई राइम स्कीम नहीं है इसकी, है ना, और इसमें कोई राइम स्कीम तो है ही नहीं, और पोएम में कोई स्ट्रक्चर भी फॉलो नहीं हो रहा है पर्टिकुलर, कोई स्टेंजा फॉर्मेशन नहीं है कि भाई चार चार लाइन का स्टेंजा है कि आठ आठ लाइन का स्टेंजा है, ऐसा कुछ नहीं है पोएम में, कोई पर्टिकुलर स्टेंजा नहीं है। हाँ, तीन अलग अलग बड़े बड़े स्टेंजा दे रखे हैं जिनमें कोई फिक्स लाइन नहीं है, एक तो दो बहुत बड़े हैं, एक थोड़ा छोटा है, तो कोई पर्टिकुलर स्टेंजा फॉर्मेशन है नहीं पोएम के अंदर। पोएम विक्टोरियन एज को रिप्रेजेंट करती है, जैसा कि मैं पहले कई बार बता चुका हूँ आपको, है ना, तो
तो उसके लिए एक अलग से आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि भाई विक्टोरियन एज को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि वो एक ऐसा एज था, वो ऐसा दौर था जब कंट्रीज नई नई जमीन खोज रही थी, देश नए नए जमीन खोज रहे थे, नए नए एडवेंचर्स पे जा रहे थे। तो यूलिसिस भी उसी तरीके से अपनी जर्नी कंटिन्यू रखना चाहता है और वो नए नए एडवेंचर्स पे जाना चाहता है, घर पे नहीं रुकना। तो बच्चों समझ गए आप लोग, तो ये हो गई अपनी पोएम। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप ऑब्वियसली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसमें और भी चीजें ऐड करना है, इसको और बड़ा बनाना आंसर को, और प्रॉपर और लिखना है इसमें चीजें अपनी अपनी तरफ से। मैंने सिर्फ गाइडेंस के लिए आपके लिए ये प्रिपेयर किया है। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।